मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। बाबा के हाथों आई तो बन गई मेरी तकदीर। ये पीछे बालकनी में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। आयोजकों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है भाई साहब, अंदर आने का कोई टिकट भी नहीं है और जब चाहे तब वहां से वापस भी जा सकते हैं, कोई पिंजरा नहीं है यहां पर। तो आप लोग सब यहां आकर के ससम्मान बैठ सकते हैं। बाहर ठंड है सिर पर, यहां बढ़िया कनात लगी हुई है। जो भी भाई साहब लोग पीछे हैं, आयोजकों से मेरा निवेदन है कि उनको आगे भेज दें यहां पर। बड़ा अद्भुत संत है ये। चिलम पीने के बाद चाम पाटिल, जो कि इस औलिया के व्यवहार से अभिभूत हो चुका था, वो इस औलिया से कहता है कि आप मेरे साथ धूप गांव चलेंगे। औलिया ने कह दिया हम जरूर चलेंगे, लेकिन आज नहीं कल। साईं अक्सर कोई बात क्यों किया करते थे ये तो उन्हीं को पता, वो आज नहीं कल क्यों गए ये उनको पता। दूसरे दिन वो धूप गांव गए, चांद पाटिल के मेहमान बने। देखिए लेकिन जगह का अपना एक आकर्षण होता है, उसका एक खिंचाव होता है। राम कहीं भी जन्म ले सकते थे लेकिन अयोध्या ने उनको खींचा। जीसस कहीं भी पैदा हो सकते थे लेकिन बेथलहम ने उनको खींचा। गुरु गोविंद सिंह किसी भी जगह पर पैदा हो सकते थे लेकिन पटना ने उनको खींचा। कृष्ण ने तो जेल पसंद की मथुरा की पैदा होने के लिए। साईं को कोई भी जगह खींच सकती थी लेकिन शिरडी नहीं खींचा। चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे का विवाह, उसकी शादी तय हो गई शिरडी गांव में। बारात जानी थी शिरडी। चांद पाटिल ने साईं से कहा आप हमारे साथ बारात में शिरडी चलेंगे। इस औलिया को, इस फकीर को, इस संत को शिरडी की भूमि खींच रही थी। जिस भूमि को वो एक बार छोड़ करके आ गया था वही भूमि उसको दोबारा से खींच रही थी। वहीं पर रहकर उसको आगे न जाने क्या क्या करना था। इस औलिया ने कहा जरूर चलेंगे। बारात निकली, शिरडी गांव में आ गई। शिरडी गांव में उस जमाने में धर्मशालाएं होती नहीं थी, कच्चे से मकान थे, कोई 100-125 मकान रहे होंगे। इसलिए बारात को एक बरगद के पेड़ के नीचे ठहराया गया। चांद इस औलिया से कहा कि चलिए निकाह का वक्त हो रहा है, हम गांव में चलते हैं और निकाह के लिए सब बारात निकल रही है। इस फकीर ने कहा कि चांद तुम चलो मैं आता हूं। बारात गांव में चली गई। ये फकीर धीमे धीमे कदमों से बढ़ता हुआ खंडोबा के मंदिर के पास पहुंचा। अब खंडोबा कौन है?
खंडोबा शिव का स्वरूप है, उनकी दो पत्नियां हैं महालसा और वरणाई देवी। एक जमाने में जब मल और मणि नाम के राक्षसों का बहुत प्रकोप रहता था तो समस्त देवी देवता बहुत परेशान हो गए। वो पहले इंद्र के पास गए, सहायता नहीं मिली। विष्णु के पास गए, सहायता नहीं मिली। शिव के पास गए, तब शिव ने खंडोबा का स्वरूप लेकर के मल और मणि नाम के राक्षसों का वध कर दिया। महाराष्ट्र में जेजुरी नाम का स्थान है जहां पर खंडोबा का प्रादुर्भाव हुआ था, और चंपा षष्ठी अभी लगभग 15 दिन पहले ही चंपा षष्ठी उत्सव था, जिस दिन खंडोबा का प्रादुर्भाव दिवस मनाया जाता है। और इस कदर हवा में हल्दी उड़ाई जाती है कि पूरा का पूरा जेजुरी जो है वो स्वर्णिम गोल्डन लगने लगता है। और खंडोबा की विशेषता यह है कि इनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। इनकी वेशभूषा ऐसी है कि जैसे मुसलमान योद्धा पहना करते थे। इस खंडोबा मंदिर का पुजारी था बहुत सीधा साधा भोला भाला भक्त, महालसापति चिमनलाल नागरे। ये फकीर धीमे कदमों से खंडोबा के मंदिर के पास पहुंचा, जहां पर न जाने महालसापति ने किस रौ में कह दिया, आओ साईं या साईं। महालसापति बहुत कम पढ़े लिखे थे, साईं तो नहीं लेकिन साई शब्द सूफी भाषा में पहुंचे हुए संतों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब ये किसी को पता नहीं कि महालसापति को ये शब्द कहां से सूझा, और उन्होंने कहा आओ साईं। लीजिए इस फकीर का, इस औलिया का नामकरण हो गया, उसको साई नाम मिल गया। किसे पता था कि अनजाने ही महालसापति द्वारा दिया गया ये नाम आज कई सालों बाद कितने ही लोगों के जीवन में आत्मविश्वास का, विश्वास का, श्रद्धा का संचार करता है। पूरी दुनिया में करोड़ लोग आज भी जब मुश्किल में होते हैं, दुखी होते हैं, साईं 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 नाम जपते जपते न जाने उनके कितने ही पाप कट जाते हैं, दुख कट जाते हैं। नाम के रटने में बड़ी महिमा है साहब, बड़ी महिमा है। वालमा नाम का डाकू राम राम की जगह मरा 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 बोलता था, और राम के जन्म से पहले उसने रामायण रच दी। किसी ने महात्मा गांधी से पूछा कि आप हर बार मुश्किल में होते हैं तो क्या करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, मैं राम का नाम लेता हूं। नाम की बड़ी महिमा है साहब, बड़ी महिमा है। आपका नाम मैं जानता हूं तो आपसे कहूंगा मुकेश जी, लेकिन अगर नाम मुझे नहीं पता होगा तो मैं कहूंगा ए ऑरेंज स्वेटर वाले भाई साहब। सम्मान किसमें है, नाम में है। यही नाम जो है वो सबको तारता है। जप ले साई का नाम मनवा, जप ले साई का नाम, जप
जपले साई का नाम, जपले साई का नाम मनवा, जपले साई का नाम, जपले साई का नाम मनवा, जपले साई का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा, जपले साई का नाम, जपले साई का नाम मनवा, जपले साई मतलब एक है संत कहे तू, मतलब एक है संत कहे तू, या कह ले भगवान मनवा, जपले साई का नाम, जपले साई का नाम मनवा, जपले साई का नाम।
समझे तू रेत के महल बनाए सपनों को अपना समझे तू रेत के महल बनाए परछाई के पीछे दौड़े हाथ न कुछ भी आए परछाई के पीछे दौड़े हाथ ना कुछ भी आए हाथ ना कुछ भी आए साई के नाम की छावत दे दो साई के नाम की छावत दे दो कर ले कुछ विश्राम मनवा जप ले साई का नाम इनके नाम से बन जाएंगे इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा अपने साई का नाम जपने साई का नाम बनवा जपने साई का नाम जपने साई का नाम बनवा जपने साई का नाम साई बोलो 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 साई 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 मेरे साई 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 मेरे साई बोलो 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 चपले साई जप ले साई का नाम और क्या नाम दिया महालसापति ने देखा जाए तो साई यानी सा से साधारण ई से इंसान का सफर शुरू हुआ साई के नाम पर सा से साक्षात ई से ईश्वर साधारण इंसान से साक्षात ईश्वर बड़ी अद्भुत लीला है। हम लोग गुरुओं के चरण पूजते हैं अगर आचरण पूजने लगे तो हम सब भी पवित्र हो जाएं। लेकिन गुरुओं के आचरण पूजना बड़ा मुश्किल होता है उनके चरण पकड़ना बड़ा आसान होता है। ऐसी करनी करे नर कि नारायण हो जाए भगवान बनना मुश्किल नहीं है भगवान बनना बहुत परेशानियों भरा है। अपने सुख सुविधाएं ऐश्वर्य आराम सब छोड़ने पड़ते हैं तब भगवान का दर्जा हासिल होता है। राम को वन भटकना पड़ा कृष्ण को
जेल में पैदा होना पड़ा, साईं को फटे कपड़ों में गुजर बसर करना पड़ा, तभी आप उनको आज पूछते हैं कि उन्होंने अपनी परवाह नहीं करी, अपने संसर्ग में आने वाले लोगों की परवाह करी। साईं सच्चरित्र में एक कथा आती है जिसमें श्रीमती खापरडे अपने बेटे को हुए प्लेग की गठानों से बहुत चिंतित है। साई उन्हें अपनी कफनी ऊपर उठा करके कमर पे प्लेग की चार गिल्टियां दिखाते हैं और कहते हैं, माई आसमान में बादल बहुत घने हैं, अंधेरा बहुत छाया हुआ है, लेकिन चिंता मत कर, ये बादल जल्दी छट जाएंगे। क्या करेगा और कोई साधारण इंसान साक्षात ईश्वर बनने के लिए अपने में विश्वास रखने वालों के तमाम दुख दर्द परेशानियां अपने शरीर पर अपने माथे ले लेता है, और क्या करेगा। यही साईं ने किया, यही साईं ने किया। मालसापति ने या साईं कहा और साईं ने उनसे अगला सवाल किया, क्या मैं यहां पर इस मंदिर में रात गुजार सकता हूं। मालसापति बहुत ही भोला भाला ब्राह्मण, देवज्ञ ब्राह्मण, वो कुछ जवाब दे उसके पहले उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल उमड़ने लगे। अगर मैंने इस फकीर को मुसलमान से दिखने वाले फकीर को इसने यहां पर जगह दे दी और उसने रात को मूर्ति के साथ तोड़फोड़ कर दी तो गांव वाले मुझे क्या कहेंगे, मुझे तो गांव से निकाल दिया जाएगा। साईं ने उसके दिमाग में घुमड़ते हुए इन विचारों को पकड़ लिया, पढ़ लिया और मालसापति से बोले, तुम चिंता मत करो, मैं कोई और ठिकाना ढूंढ लूंगा। चलते हुए साईं अपने पुराने ठिकाने उस नीम के पेड़ के नीचे आ गए, जहां पर पहले की तरह बाईजामाई खाना लेकर के उनके इंतजार कर रही थी। साईं को देखते ही बाईजामाई बहुत गुस्सा हुई। एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्हीं का वो बेटा है जो बिना कुछ कहे बताए चला गया था। उसको खूब प्यार भरी झिड़कियां दी, उसके कान खींचे, उसको डांटा जैसे हमारी मां अक्सर हमको डांटती हैं। डांटती क्या है, प्यार से समझाती हैं, कैसे काम मत किया कर जिससे मां को तकलीफ हो। ये बाईजामाई का प्यार ही था जो साईं को वापस शिरडी में खींच लाया। कौन कहता है साईं नाथ आते नहीं। ये भक्त जो हैं, ये बाईजामाई की तरह साईं को बुलाते नहीं। कौन कहता है साईं नाथ आते नहीं, कौन कहता है साईं नाथ आते नहीं, बाईजामाई की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है साईं नाथ आते नहीं, बाईजामाई की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है साईं मेरे आते नहीं, कौन कहता है साईं मेरे आते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। तुम बुलाते नहीं।
गाते नहीं। कौन कहता है साईं नाथ गाते नहीं। कौन कहता है साईं नाथ गाते नहीं। कहता है साईं नाथ गाते नहीं। गण कवि की तरह तुम भी लिखते नहीं। गण कवि की तरह तुम भी लिखते नहीं। कौन कहता है साईं नाथ आते नहीं। कहता है साईं नाथ आते नहीं। इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है साईं मेरे नाचते नहीं। कहता है साईं मेरे नाचते नहीं। श्यामा मास्टर की तरह तुम नचाते नहीं। श्यामा मास्टर की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहता है साईं नाथ नाचते नहीं। कहता है साईं नाथ नाचते नहीं। कैथल वालों की तरह तुम न चाहते नहीं। खेलते नहीं। कौन कहता है साईं मेरे खेलते नहीं। कौन कहता है साईं मेरे खेलते नहीं। कौन कहता है साईं मेरे खेलते नहीं। काक्या गोते की तरह तुम भी कहते नहीं। काक्या गोते की तरह तुम भी कहते नहीं। ओ काक्या गोते की तरह तुम भी कहते नहीं। खाते नहीं। कौन कहता है साईं मेरे खाते नहीं। कौन कहता है साईं मेरे खाते नहीं। कौन कहता है साईं मेरे खाते नहीं। लक्ष्मी माई की तरह तुम खिलाते 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 नहीं। भले लुटा कर्ण मदीन चरण मडोड़िया निपाहिन रूपम भजे प्रेमे आलिंगिन आनंद पूजिन भावे वालिन मणे नमा त्वमेव माता।
तत् पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा पुण्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोति यत् सकलं परं नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे साई राम साई राम साई राम हरे हरे साई कृष्णा 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 हरे हरे साई राम साई राम साई राम हरे हरे साई कृष्णा 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 हरे हरे भजले राम भजले राम भजले बंदे साई राम भजले राम भजले राम भजले बंदे साई राम भजले राम भजले राम भजले बंदे साई राम भजले बंदे साई राम बनेंगे तेरे बिगड़े काम भजले बंदे साई राम बनेंगे तेरे बिगड़े काम भला करो इन भक्तों का तुम भला करो भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो भला करो भला करो भक्तों का तुम भला करो भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो भला करो भला करो इन भक्तों का तुम भला करो कहता है साई नाथ आते नहीं कैथल वालों की तरह तुम बुलाते नहीं। इतने प्यार से आओ साई कहते हो और ये विश्वास भी नहीं रखते हो कि साई आएंगे। साई यहीं पर है, यहीं पर है। वो अपनी कथा कह भी रहे हैं, वो अपनी कथा सुन भी रहे हैं और कहने सुनने के इस चक्कर में वो हम सबके दिलों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। बोलो तो सही प्यार से एक बार आओ साई और देखो साई कैसे नहीं आते। वैसे ही शिरडी में आए, कोई ठिकाना था नहीं। बायजामाई ने फिर अपना क्रम शुरू कर दिया साई को खाना खिलाने का जबरदस्ती। वही नीम का पेड़, वही नदी नाले, वही जंगल झाड़। दिन गुजरते गए गुजरते गए, फिर कहते हैं स्थानम बलम प्रधानम। स्थाई स्थान का बल प्रधान होता है। शिरडी ने तो बाबा को खींच लिया था एक और जगह, साई को अपनी तरफ बुला रही थी। एक दिन अचानक ही साई एक टूटी फूटी इमारत में पहुंच गए। कहते हैं वो इमारत, उसमें सालों पहले किसी मुसलमान व्यापारी की साड़ी की दुकान हुआ करती थी। बाद में मुसलमान व्यापारी के निधन के बाद वो एक मस्जिद में तब्दील हो गई थी और उस मस्जिद में भी साई के पहुंचने के सालों पहले इबादत होना बंद हो चुकी थी। उजाड़ वीरान, छत आधी अधूरी, दीवारें चार में से शायद डेढ़ पौने दो, फर्श नाम को नहीं था।
उसी को साईं ने अपना डेरा बना लिया। वहीं पे आकर के रहने लगे। सवेरा वहीं से होता, शाम वहीं पर होती, दिन भर विचरते रहते। सबसे पहले साईं ने उस मस्जिद के एक कोने में एक धूनी प्रज्वलित की, बिल्कुल एक अग्निहोत्र ब्राह्मण की तरह। उस धूनी में वो रोज सवेरे शाम दोपहर लकड़ी की आहुतियां देते रहते। हमारा जीवन भी देखा जाए तो एक धूनी की तरह ही है, एक यज्ञ है हमारा जीवन जो हम रोज करते हैं सवेरे से शाम तक। रोज इसमें आहुतियां डालते रहते हैं, अपने कर्म की, अपने धर्म की, अपने खून की, अपने पसीने की, अपने विचारों की। यज्ञ का भी बड़ा एक स्पष्ट नियम है। यज्ञ को हमारे अग्नि को देव माना गया है, और यज्ञ में आहुति देते हैं तो बीच की इन दो उंगलियों पे आहुति लेते हैं और अंगूठे से उनको सरकाते हैं यज्ञ के अंदर, इस तरह से कि जैसे किसी छोटे बच्चे के मुंह में निवाला देते हैं। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय इदं नमः, ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ गायत्री इदं नमः। ये आहुति देने के बाद ये कहा जाता है इदं न मम। इसका बड़ा गहरा अर्थ है। इदं न मम, ये मैं जिसकी आहुति दे रहा हूं वो मेरा नहीं है, वो मुझे मिला है। तो इससे देने वाले में, आहुति देने वाले में अहंकार का भाव नहीं आता। देखा जाए तो आपके पास आपका है क्या? शरीर माता पिता का दिया हुआ, नाम किसी और का दिया हुआ, पढ़ाया आपको किसी और ने है, काम किसी और का करते हैं। ये मत समझिए कि काम आप स्वयं का कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है, उससे आप जो सुख सुविधाओं की चीजें जुटा रहे हैं, उनमें से आप कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए शुरू से हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शन में हमको ये भाव दिया गया है कि हम जिस भी चीज की आहुति जीवन रूपी यज्ञ में डालते हैं और उसको डालने के बाद कहते हैं इदं न मम, ये मेरा नहीं है। यज्ञ का भी अपना बड़ा अद्भुत महत्व है। उसमें जो हवन सामग्री डाली जाती है, उसमें इतने प्रकार की चीजें मिलाई जाती हैं जिससे वातावरण शुद्ध होता है। बैक्टीरिया छोटे छोटे जो होते हैं वो सब मर जाते हैं। बड़ा अद्भुत शास्त्र है, उसके बारे में तो हम कभी बात करने बैठेंगे तो शायद 10 दिन की कथा भी कम पड़ जाएगी। हर एक चीज, हर एक कर्म कांड जो हमारे में दिया हुआ है, चाहे वो हिंदुओं के कर्म कांड में हो, मुसलमानों के कर्म कांड में हो, क्रिश्चियंस के कर्म कांड में हो, सब में विचारकों ने बहुत विचार करके हर एक क्रिया को जोड़ा है कि आपका जीवन समृद्ध हो सके और जीवन आपका परिपूर्ण हो सके। ये हम लोगों की कमी रही है कि हमने उसको थोथा कर्मकांड मान लिया है।
और उसी थोथे कर्म कांड के चलते, क्योंकि ना हमको कभी उसका मतलब समझाया गया है, न कभी मतलब हमने जानने की कोशिश की है, हम उसका अंधानुसरण करते हैं। और जब अंधानुसरण करते हैं तो हमारे मन में रूढ़ियां पैदा हो जाती हैं, अंधविश्वास पैदा हो जाता है, और हम उस धर्म का पालन करने से कतराने लगते हैं। बहुत कम यंगस्टर्स होते हैं आप देखेंगे आज में, कि जो आपके बताए हुए कि यार ऐसा धर्म के नाम पे ये कर लो, हाथ में कलावा बांध लो, कान में छेद कर लो, कंधे पर जनेऊ पहन लो, जब शौच करने जाओ जनेऊ को कान पे लपेटो, हर एक चीज के पीछे कारण है। आप जनेऊ को कान पे लपेटते हैं तो आपका बावल मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाता है, आप कान को छिदवाते हैं तो वहां जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो आपको जीवन में बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। आप ये कलावा बांधते हैं तो इसका अलग महत्व है। आप षोडशोपचार पूजा करते हैं भगवान को, आप कथा के दौरान स्नान कराते हैं, दान करते हैं, आप स्नान कराते हैं, आप अतिथि को कैसे रखते हैं, आप उसको स्नान की जगह देते हैं, उसको पहनने के लिए कपड़े देते हैं, उसको बैठने के लिए आसन देते हैं, आप उसको भोग लगाते हैं, खाना हो जाए उसके बाद आप उसको पान तांबुल इलायची खिलाते हैं, उसके बाद उसको मिष्ठान्न देते हैं, जाता है तो उसको कोई दक्षिणा देते हैं। ये पूरा का पूरा जो है रचा इसलिए गया है कि हम लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सके, लेकिन हम लोग को कोई समझाने वाला मिला नहीं है, डर और पैदा हो गया है। जब जब आपको धर्म की चीजें समझ में नहीं आती तो आपके मन में धर्म के प्रति प्यार की जगह डर पैदा हो जाता है, और वो डर जो है वो आपको कमजोर कर देता है। धर्म आपकी शक्ति होनी चाहिए, आपकी कमजोरी नहीं होना चाहिए। बाबा की लीलाओं में बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जब उन्होंने अंधविश्वास को सिरे से नकार दिया। कल हमने बात की थी ज्योतिषों की, बाबा ने सारे के सारे ज्योतिषों की भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। डर अपने जीवन से हटा दो, क्योंकि हमारे जीवन में साई है। तो बाबा ने वो धुनी प्रज्वलित की, वहां पर धुनी बड़ी अद्भुत है, आज भी जल रही है, न जाने कितने लोगों के जीवन में वो धुनी विश्वास का संचार करती है। बाबा ने एक और क्रम शुरू किया, भिक्षा मांगने का। शिरडी में 5 घर थे जहां से बाबा रोज भिक्षा लेते थे। बाबा भिक्षा क्यों लेते थे? क्या कभी हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आज तो हम जाते हैं शिरडी या हमारे साई शरणम धाम मंदिर में हम जाते हैं, वहां बाबा की मूर्ति के सामने शीश नवाते हैं, उसके सामने अपनी झोली फैलाते हैं और वो झोली हमारी भर देता है, लेकिन कभी हमने सोचा है कि वो फकीर जो आज हमारी झोलियां भर रहा है उसने अपना जीवन निर्वाह भिक्षा मांग कर क्यों क्यों? इसमें भी हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन बहुत काम में आते हैं इसको समझने में। हिमाड पंत इस श्री साई सच्चरित्र ग्रंथ में लिखते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो हमसे 5 प्रकार के पाप होते हैं, पीसना, दलना, मांजना, बर्तन मांजना, बर्तन मलना, बर्तन धोना और आग जलाना। इन 5 क्रियाओं में न जाने हमसे जाने अनजाने कितने ही जीव जंतुओं का कत्ल हो जाता होगा, हम उनको अनचाहे मार देते हैं।
हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान जिन जीव जंतुओं को हमने मारा है उनके पाप से उद्धार के लिए पांच तरह के यज्ञ बताए गए हैं। और यज्ञ मतलब वो वाला यज्ञ नहीं, पांच जतन बताए गए हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नर यज्ञ। अब हम इतने गहरे तो नहीं जाएंगे लेकिन ऊपर ऊपर से इन यज्ञों को छूने की कोशिश करेंगे। देव यज्ञ, देव यज्ञ में यह बताया गया है कि देवताओं के बनाए हुए पर्यावरण का ध्यान कैसे रखना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों का पालन पोषण करना चाहिए, पेड़ पौधों का रक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधों के जरिए जमीन की जो मिट्टी क्षरण होने से बचानी चाहिए, वातावरण स्वच्छ साफ रखना चाहिए, प्रदूषण नहीं करना चाहिए, ये देव यज्ञ हो गया। दूसरा है पितृ यज्ञ। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जो हमारे साथ रहते हैं, जिन्होंने किसी समय पर हमारा पोषण करने के लिए खाना बनाया है, उनके खाना बनाने की प्रक्रिया में जो पाप हुए हैं उसका हम भरपाई कैसे कर सकते हैं, वो पितृ यज्ञ है। पितृ यज्ञ ने अपने माता पिता का ध्यान रखना, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, उनका पालन पोषण करना जब हम बड़े हो जाएं, और जब अंतिम समय हो जाए तो उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना। आजकल तो ये हाल है कि माता पिता थोड़े से बूढ़े हुए नहीं कि हम उनको लायबिलिटी मानने लगते हैं। इतनी धन कमाने की हमारे अंदर लालसा जागृत हो जाती है कि सवेरे से शाम और शाम से सवेरा कब होता है पता नहीं चलता, बूढ़ी माँ से पूछते भी नहीं है तूने खाना खाया है या नहीं, कि माँ तुझे डॉक्टर को दिखाना है तूने अपनी दवाइयां ली है कि नहीं, पिता को ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी आंखों की रोशनी का क्या हाल है, क्या मैं तुम्हारा कोई इलाज करवा सकता हूं, चलो मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बैठता हूं। वो माता जो आप जब छोटे बच्चे थे और बस्तर गीला कर दिया करते थे, आपके गीले में खुद सो जाती थी और आपको सूखी जगह सुलाती थी, उस माँ का अब वही हाल है जो आपका हुआ करता था, लेकिन आप उसका गीला बिस्तर साफ नहीं करते। ये पितृ यज्ञ है कि उनका ध्यान रखें, उनको प्रेम से रखें, उनको संभाल करके रखें, क्योंकि दुनिया में हर चीज का रिप्लेसमेंट मिल जाता है, माता पिता का कोई रिप्लेसमेंट कभी नहीं मिलता। तीसरा यज्ञ है भूत यज्ञ। इस दुनिया में जितने पशु पक्षी हैं उनका वध ना करना, उनका ध्यान रखना, उनको समय समय पर संरक्षण देना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनकी सुख सुविधाओं के लिए यथासंभव साधन जुटाना और उनके
इलाके में जाकर के उनके लिए अशांति पैदा नहीं करना। आजकल हम लोग खूब व्हाट्सएप पे वीडियोस देखते हैं कि लखनऊ की सड़क पर एक तेंदुआ आ गया और रामगढ़ में एक शेर घुस गया और भोपाल के केरवा डैम के जंगलों से शेर निकल करके सड़कों पर घूमने लगा। शेर, चीता, तेंदुआ वो हमारी जगह पर नहीं आए, दरअसल हम बढ़ते 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 उनकी जगह में घुस गए हैं, हम उनके इलाके में घुस गए हैं। वो तो अपने इलाके में बेचारे हैं ही, अब वो जाए कहां, इसलिए वो दिख जाते हैं हमको। अगला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, उन शिक्षकों के प्रति आदर, वो शिक्षक जो हमें एक छोटी सी गुरु दक्षिणा लेकर के पढ़ाते हैं। गुरु दक्षिणा हम जितनी भी दें अपने गुरुओं को कम ही होती है। आज जो पेरेंट्स स्कूल वालों के प्रति आक्रोश दिखाते रहते हैं कि स्कूल वालों ने फीस इतनी बढ़ा दी है, स्कूल वालों ने फीस इतनी बढ़ा दी है, अरे आप अपने जीवन भर की कमाई भी अपने गुरु को दे दें तो भी कम है, क्योंकि वो शिक्षक जिसने कभी, आप लोग जब पढ़ते होंगे उस जमाने में शायद 1500 रुपए की नौकरी करी है, लेकिन उसकी दी हुई शिक्षा से आप आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। उन शिक्षकों का ध्यान रखना, ये ब्रह्म यज्ञ में बताया गया है। और सबसे आखिरी यज्ञ है नर यज्ञ, अपने साथी लोगों का ध्यान रखना, आप उनके प्रति सद्भाव रखें, आप उनके प्रति प्रदूषित भाषा का प्रयोग ना करें, आप उनसे वैमनस्य ना रखें, किसी जरूरतमंद की सेवा करें, किसी गरीब बच्चे को उसके कपड़े खरीद दें, किसी गरीब बच्ची को उसकी स्कूल की किताबें खरीद दें, किसी विकलांग दिव्यांग व्यक्ति को आप बैसाखी खरीद दें, ट्राईसाइकिल खरीद दें, उसके स्वरोजगार का प्रबंध कर दें, ये नर यज्ञ है। तो जो पांच पाप हमसे होते हैं उनके सुधार के लिए, अब आप खाना खाना छोड़ नहीं सकते, खाना बनाना छोड़ नहीं सकते, जब आप खाना 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 बनाना नहीं छोड़ सकते तो आपसे ये पाप होंगे, ये ऊपर वाले का विधान ऐसा है। और पाप जब होंगे तो उनका प्रायश्चित इन पांच यज्ञों से करना होता है, हम लोग नहीं कर पाते। हिमाड पंत लिखते हैं कि बाबा ने उन पांच घरों से भिक्षा इसलिए मांगी कि वो इन पांच घरों के लोगों के प्रति ऋणानुबंध में बंधे हुए थे और उनको वो रसोई बनाने के दौरान हुए पापों से मुक्ति देना चाहते थे। दूसरा कारण, हिमाड पंत ये बताते हैं कि बाबा वैराग्यपूर्ण जीवन जी रहे थे, उनका कोई घर बार, कोई परिवार, कोई संस्थान, कोई पत्नी नहीं थी, इसीलिए उनका कोई कमाई का जरिया नहीं था और इसीलिए उनको भिक्षा पे गुजारा करना उनका प्रारब्ध बन गया था। पांच घर थे शिरडी में जहां से बाबा भिक्षा लेते थे और दिन में कई बार तो बाबा एक दो नहीं दसियों बार भिक्षा लेने चले जाते, लेकिन बाबा की एक खासियत थी कि कभी भी भिक्षा लेने जाते तो किसी के घर की दहलीज उलांघ करके अंदर नहीं जाते, बाहर ही भिक्षा लेते। बायजामाई के घर जाके बाबा आवाज लगाते, आबाद ही आबाद, ये बायजामाई पोड़ियां, बायजामाई रोटी ला। सखाराम शेलके के घर के बाहर बाबा जाते तो कहते, ए सखिया, माला भाजी पाई जे, मुझे सब्जी चाहिए, अधिकार पूर्वक मांगते थे बाबा। वामन बूंद करके घर बाबा जाते थे भिक्षा मांगने,
बयाजी अप्पा कोते पाटिल के घर बाबा भिक्षा मांगने जाते थे। ये बयाजी अप्पा कोते पाटिल से प्राप्त हुई भिक्षा करण बाबा ने कैसे चुकाया? जब बाबा ने महासमाधि ली तो बयाजी अप्पा कोते पाटिल के बाहों में बाबा ने समाधि ली। नंदराम मारवाड़ी की पत्नी हकला करके बोलती थी, बाबा उनसे अक्सर मिठाई की जिद करते थे और प्यार से उसकी हकलाने की आदत को लेकर के बाबा कहते, हे बोपिड़ी बाई, आज दिवाली आहे, माला पूरण पोड़ी पाइते। हे बोपिड़ी बाई, आज दिवाली है, मुझे पूरण पोली खाने को चाहिए। अधिकार पूर्वक मांगते थे। धन्य है वो पांच घर जहां से बाबा भिक्षा लेते थे और धन्य है वो शिरडी की भूमि जहां पर बाबा गली गली घर घर भिक्षा मांगने जाते हैं। चिमटा कटोरा सटका लेकर तेरे द्वारे आए, चिमटा कटोरा सटका लेकर तेरे द्वारे आए, ना भी दे तो हर पल साई, ना भी दे तो हर पल साई, आशीष दे कर जाए भिक्षा दे रे माई, भिक्षा दे रे माई। द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साए, भिक्षा दे रे माई, भिक्षा दे रे माई। ये बतलाने आए, दान धर्म से मोह घटता, ये बतलाने आए, एक इशारा हो जाए उसका, एक इशारा हो जाए उसका, भव से तू तर जाए भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई। द्वार पे तेरे चल कर आया शिरडी वाला साई, भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई। बाबा कहते थे, सच्चरित्र में लिखा है कि ये मेरी मजबूरी है कि मैं किसी से एक लेता हूं, मुझे उसको उसका 10 गुना वापस करना पड़ता है। बड़ा सीधा सा हिसाब है बाबा के साथ, 1 2 10 लो। दे दे भिक्षा उसको साई, 10 पट कर लौटाए, उसको साई 10 पट कर लौटाए, ना भी दे तो हर पल साई, ना भी दे तो हर पल साई, उसका बोझ उठाए भिक्षा दे दे साई, भिक्षा दे दे माई।
बदलना आदत उसकी घर भक्तों के जाए, रूप बदलना आदत उसकी घर भक्तों के जाए, रोटी टुकड़ा भिक्षा मांगे, रोटी टुकड़ा भिक्षा मांगे, असली रूप छिपाए, भिक्षा दे भिक्षा दे दे माई, भिक्षा दे दे माई।